लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। डेरा सच्चा सौदा विवाद के बाद फरार चल रही हनीप्रीत आखिर मीडिया के सामने आई। इससे पहले हरियाणा और राजस्थान की पुलिस कई जगह उसकी तलाश कर चुकी थी। कई बार हनीप्रीत के राजस्थान में होने की भी खबरें आई। सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ था जब हरियाणा पुलिस और उदयपुर की स्पेशल टीम ने यहां रहने वाले प्रदीप गोयल को गिरफ्तार किया है। प्रदीप ने पुलिस को बताया है कि राम रहीम को जेल में छोड़ने के बाद हनीप्रीत यहां आ गई थी। कुछ दिन उसके साथ रहने के बाद हनीप्रीत नेपाल चली गई थी। प्रदीप मूल रूप से हरियाणा का ही रहने वाला है, लेकिन लंबे समय से उदयपुर में रह रहा था। उदयपुर के सेक्टर 14 नाकोड़ा नगर में वह करीब 2 साल से रह रहा था। पहले प्रदीप जिस घर में रहता था उसमें उसका मकान मालिक भी रहता था, लेकिन 1 साल पहले ही प्रदीप की फैमिली ने नाकोड़ा नगर में ही एक इंडिपेंड घर में शिफ्ट किया था। प्रदीप के पड़ोसियों के अनुसार प्रदीप यहां अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ रहता था। प्रदीप जब हरियाणा से जयपुर आया तो उसने बिजनेस शुरू किया था, लेकिन उसमें घाटा लगने के बाद से उसने उदयपुर के पास झाड़ोल फिर से काम शुरू किया। पड़ोसियों को ये पता नहीं है कि वह क्या काम करता था। प्रदीप को परिवार पड़ोसियों से ज्यादा संपर्क में नहीं था। 25,000 रुपए देने की लालच देकर दंगा भड़